तुम्हारे लिए ये पहाड़े चढ़ना शायद एक ट्रैकिंग होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा नशा है। तो ये कहानी है मेरे एक छोटे से सपने की। यार बात ऐसी है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे ऐसे सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, और इस सपने को एक मिडिल क्लास का लड़का कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जिंदगी कोई ये जवानी है दीवानी मूवी थोड़ी ना है जो मैं बोलूँगा। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना, ये सिर्फ मूवी में ही अच्छा लगता है। और जब मुझे मौका मिला मनाली जाने का तो मैंने बोला यार इसमें भी कुछ सोचने की बात है, चलो चलते हैं मनाली। यार रेडी टू भाई साहब, यहाँ तो बस मिल ही नहीं रहा है, ये रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे हम लोग काश्मीरी गेट पे मनाली जाने के लिए बस खोज रहे हैं जो कि मिल नहीं रहा है अभी। नहीं तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी है ट्रेन, ट्रेन जो कि अभी 5 घंटे की देरी से चल रही है। अरे इतना नहीं हुआ अंकल, कश्मीरी गेट ये 3 बार बोल कर नहीं, 3 बार नहीं। अरे ऐसा बोले ही नहीं हो भैया, उन्हीं से कॉमन सेंस की बात है यार, 1.5 किलोमीटर का 150 रुपए लोगे आप भैया, तुम तो बात कर रहे हो। अरे आप ठगने वाला मेरे कारण ठगने वाला काम मत करो, ठगने वाला नहीं, ठगने वाला काम मत करो। क्या समझते हो बैठ के लड़ने को, चोरी कर रहे हो बस के सामने से, क्या समझते 1.5 किलोमीटर का, क्या किसको कंप्लेंट कर रहे हो, थाने ले जा, थाने ले जा भैया, मेरा ट्रेन है, हम लोग भी बदनाम कर रहे हैं ना, ये ऑटो वाले चोर होते हैं, हम लोग बदनाम कर रहे हैं, हम लोग यही रहते हैं, 150 रुपए कहाँ लेके देंगे। ठीक है गाड़ी बंद करो, दो पान बन दो, पैसे दे 200 रुपए जाने दीजिए, जाने दीजिए, 200 रुपए कोई बात नहीं, गाड़ी में गाड़ी आ गई, गाड़ी पता क्यों मारे गया, तुम सालों का कलगाई दिखाते हो, मैं चलो पता क्यों, क्यों तुम वहाँ से क्या करते हो, आओ नई दिल्ली ठीक आ जाओ, यहाँ लगा जाता है, देखो दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ लगा पुरानी दिल्ली लिखा है, नई दिल्ली लिखा, यहाँ लगा उधर देना बंद हो, थैंक यू भैया लोग, थैंक यू। अभी आपने देखा ऑटो वाले से हम लोग का कांड हो गया, एक्चुअली क्या हुआ, काश्मीरी गेट से हम लोग को बैठा के यहाँ पे लाया, वहाँ पे 50 रुपया बोला, यहाँ पे आके बोलता है 150 रुपये, मतलब 50 रुपया पर पर्सन, मतलब 150। तो क्या हुआ, हम लोग आर्गुमेंट करने लगे, तो बहुत सारे ऑटो वाले आसपास खड़े थे, पकड़ लिए उसको, दे धुलैया अच्छा से धुलाई कर दिए। अरे भैया 50 रुपया कमाओ यार, ईमानदारी से कमाओ, धोखेबाजी वाली कौन सी बात है, क्या हो गया, सारा इज्जत गया, पिटाई पिट गया, पिट गया, पैसे भी नहीं मिले, एज के हिसाब से उसे नहीं पिटना चाहिए था बड़े भाई। यार क्या 2 रुपया कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ यार, हम लोग भी ईमानदारी से कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कहीं से लूट उठ के आ जाते हैं। खैर ये सब तो कमाते हैं तो ईमानदारी से खर्चा भी, खैर जो भी हो हम लोग चलते हैं, पहले ट्रेन आने वाली है हमारी। सुबह 8:30 की ट्रेन सुबह 1 बजे आ रही है, 2 बजे के आसपास, क्या बोल बताओ विनोदनी, क्या कहिएगा आप, क्या बोल रही थी, क्या कहिएगा आप, I can't seem to
अक्सर मैंने सुना है सफ़र की कोई मंजिल नहीं होती, और आज मैंने देख भी लिया। हाँ, ये वही चंडीगढ़ है जहाँ पे मैं अपना कॉलेज लाइफ स्पेंड किया हूँ। हाँ, ये वही सड़क है जहाँ पे मैं कभी बाइकिंग किया करता था। हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे मेरी बहुत सारे अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं। यार, मैं चंडीगढ़ कभी आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करो, या तो उसे अपना लो या तो उसे ठुकरा दो। सेम रूल मैं फॉलो करता हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे लोगों से ज़्यादा इस जगह से प्यार हो गया था। और आज अनकंडीशनली जब मैं चंडीगढ़ आया तो मैं बहुत इमोशनल हो गया इस जगह को देख के, इस रोड को देख के। यही वो जगह है जहाँ से मैं अपने सोसाइटी में जाता था, यही वो जगह है जिसके बगल में मेरा कॉलेज था। यार, आज जब इस जगह को देख रहा हूँ तो बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना 3 साल पहले का ज़िंदगी जी रहा हूँ। और यही सब सोचते सोचते हम लोग सेक्टर 43 पहुँचे, क्योंकि हमें वहाँ से लेना था मनाली के लिए बस। भैया, हम आए थे सेक्टर 43 में, यहाँ पे भी हमें बस नहीं मिल रहा है। तो गाइस, फाइनली हमें बस मिल चुकी है HRTC का। आज से पहले हमने इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था, लगभग 24 घंटे। यार, अगर सच बताऊँ तो मेरे लाइफ का बेस्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था ये। इसमें मैं किसी जगह पे जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, और फाइनली लगभग 7-8 घंटा चंडीगढ़ से ट्रैवल करने के बाद हम लोग अपने पहले लोकेशन पर पहुँचते हैं, कुल्लू। और अगली सुबह हमारा सुबह कुछ ऐसे व्यू के साथ होता है, कुछ ऐसा। ये तो आप क्या फील करते हैं? वाह, क्या नज़ारा है। अगली सुबह हम लोग डिसाइड किए कि मनाली जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आपको महादेव का बुलावा आए देन वहाँ जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और उस दिन हम लोग एक बहुत ही फेमस महादेव जी का मंदिर गए। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस ट्रेलर था। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।